और लीजिए ये तैयार हो गया है हमारा स्पाइसी और क्रीमी बटर चिकन, सो यमी। सो हेलो पीपल, वेलकम टू राइज ऑफ फ्लेवर्स यूट्यूब चैनल, एंड आपका स्वागत है कुक विद मॉम के एपिसोड नंबर 2 में। सो आज हम बनाने वाले हैं, हमारी मॉम को ही बताने दीजिए ना प्लीज़। सो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, एंड हमारी जितनी भी वीडियोस अभी तक डली हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ज़रा प्यार बटोरना मत भूलिएगा, ओके। एंड जो कुक विद माँ है ये हमने अभी रिसेंटली सीरीज शुरू की है, जिसमें हम अपने मॉम की स्पेशल डिशेस बनाएंगे, क्योंकि भाई माँ के हाथ का स्वाद तो माँ के हाथ का स्वाद होता है, करेक्ट। एंड डोंट फॉरगेट टू पुट हैशटैग कुक विद माँ ऑन इंस्टाग्राम, एंड जो भी उसके अंडर पोस्ट और स्टोरीज होंगी वो हम अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी में ज़रूर शेयर करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू यूज़ द हैशटैग एंड डू टैग अस इन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सारे लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। सो चलिए अब हम अपनी माँ के पास चलते हैं एंड पूछते हैं उनसे कि आज वो क्या बनाने वाली हैं। चलिए चलिए मेरी मॉम के पास। ये जेरी है, हमारे घर का एक और मेम्बर। हाय, सो शी इज़ माई मॉम मिसेस स्वीटी। क्या कर रहे हो मम्मी, क्या बना रहे हो आज? आज हम बनाने वाले हैं बटर चिकन, और बटर चिकन डिफरेंट बनाने वाले हैं आज हम लोग, थोड़ा स्पाइसी सा, क्योंकि मीठा बटर चिकन बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता, और तुम्हारे पापा को भी स्पाइसी पसंद है, तो इसलिए आज मैं बटर चिकन थोड़ा स्पाइसी बनाने वाली हूँ। पापा का तो हर चीज़ में ही स्पाइसी खाना पसंद है, हर चीज़ में, मतलब मिर्ची वगैरह तो ठोक के डलनी चाहिए, तो इसलिए इसमें हम ग्रीन चिली, जिंजर, ऑनियन, ग्रीन कोरिएंडर, ये हम सब कुछ उसमें डालने वाले हैं, और इसमें ड्राई स्पाइसी भी हम लोग डालेंगे, और उससे काफ़ी अच्छा बनेगा ये, आप ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए चलते हैं बटर चिकन बनाने इन मिसेस स्वीटीज किचन। यस, सो बटर चिकन बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे 1 किलो चिकन लिया है, उसे गर्म पानी से पहले धोएंगे अच्छे से, एंड उसके बाद हम उसकी मैरिनेशन प्रिपेयर करेंगे। सो मैरिनेशन के लिए 2 टेबल स्पून सॉल्ट, 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबल स्पून गर्म मसाला, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट, 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी, 2 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून ऑफ जीरा मसाला, 2 टेबलस्पून ऑफ आमचूर, 1 टेबलस्पून ऑफ चाट मसाला एंड अ लिटिल बिट ऑफ ऑरेंज कलर एंड 1/2 kg हंग कर्ड। इसके बाद हम ऐड 300 grams ऑफ बटर, उसके बाद हम 5 रेड चिली, 4 लौंग, 4 तेज़पत्ता एंड 3 इलायची डालेंगे। उसके बाद 3 लार्ज चॉप्ड अनियंस, 2 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, एंड इसको तब तक पकाएंगे जब तक अच्छे से मसाला रेड नहीं हो जाता। उसके बाद हमने 5 से 6 टमाटरों की प्यूरी बना के डाली है, एंड उसको तब तक अच्छे से पकाएंगे तब तक ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं हो जाता। उसके बाद हम 2 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट, 2 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑफ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑफ गरम मसाला, 1 टेबलस्पून ऑफ चिकन मसाला एंड 1 टेबलस्पून ऑफ कस्तूरी मेथी डालेंगे। उसके बाद हल्का सा ऑरेंज कलर डालेंगे ताकि कलर अच्छा आ जाए ग्रेवी का। उसके बाद हमने 500 ml वाटर डाला है ताकि ग्रेवी अच्छे से बन जाए, एंड उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद
अब हम चिकन का रोस्ट करेंगे। एक नॉनस्टिक फ्राइंग पैन में हमने बटर लगाया है, अच्छे से उसको बटर लगा लीजिए। एंड उसके बाद हम चिकन को रोस्ट करेंगे। चिकन को अच्छी तरीके से हर जगह से रोस्ट करना है ताकि वो अच्छे से पक जाए अंदर से एंड हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। एंड रेड होने के बाद हम सारे रोस्ट चिकन को साइड में रख लेंगे और ये हो गया हमारा सारा चिकन रोस्ट। एंड अब हम उसको ग्रेवी में डालेंगे। तो ये हो गई हमारी ग्रेवी तैयार। एंड अब हम इसको 15 से 20 मिनट सेकने के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से तैयार हो जाए। और उसके बाद हम 200 ml अमूल क्रीम डालेंगे ताकि कलर पूरा अच्छा आ जाए ग्रेवी का। और लीजिए, ये हो गई हमारा बटर चिकन तैयार। देखो तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। एंड नाउ योर बटर चिकन इज रेडी। Thank you for watching the video and do tell us how's the recipe in the comments. Thank you so much for watching Rise of Flavors. Cook with Ma.